नहीं गाइस, स्वागत है आपको मेरे यूट्यूब चैनल में। अभी हम पहुंचे हैं दिनकर गोलम्बर, जो यहाँ पे है एमबीए चाय वाला का जो शॉप है वहाँ पे हम लोग आए हुए हैं। तो अभी हम इसको एक्सप्लोर करेंगे, बताएंगे इसका चाय कैसा है, कि मतलब सिर्फ ब्रांड में ही शायद चाय बिकता है या फिर उसका टेस्ट में भी कुछ दम है। तो बस बने रही मेरे साथ, करूँ तो आप लोग स्क्रीनशॉट ले सकते हैं, देख सकते हैं यहाँ पे ये कुछ सीन है यहाँ का। तो भैया ये बताइए, आपका दुकान कितने बजे खुलता है? सुबह 10 बजे से शाम 10 बजे तक। और आपका यहाँ पे सबसे स्पेशल चाय कौन सा वाला है? एमबीए स्पेशल बेस्ट सेलर। वो कितने का आता है? वो 20 रुपये एक पिलाइए। ठीक है, तो आप गैस देख सकते हैं ये आपका एमबीए चाय वाला है। तो यहाँ का जो एमबीए जो चाय स्पेशल है वो मतलब सुनने में आता है ये बहुत टेस्टी बनता है। तो अभी हम उसको टेस्ट करेंगे और बताएंगे इसका स्वाद कैसा है। और यहाँ पे सबसे चाय का जो स्टार्टिंग है आपको ओनली 20 रुपीज़ से स्टार्टिंग है, उससे कम का चाय आपको नहीं मिलेगा। उससे आपको हाई मिल सकता है लेकिन कम का नहीं मिलेगा आपको। गैस ऐसा है कि हमारा चाय आ चुका है, अगर हम देखेंगे इसमें स्वाद में कितना है दम, कि बस नाम से बिकता है या फिर कुछ अंदर भी है इसमें। चाय तो सही है, बस वो है कि थोड़ा सा प्राइस थोड़ा सा दाम है, लेकिन आप लोग अपना हिसाब से देख लीजिएगा। इसमें भैया क्या क्या मतलब डालें इसमें आप? इसमें 9 सीक्रेट मसाला रहता है। बोलिए क्या क्या डालें इसमें भैया? 9 सीक्रेट मसाला रहता है। जैसा कि एक कंपनी का 9 सीक्रेट मसाला आता है, वही डाल के बनाना पड़ता है। हमको लगा बोले 9 सीक्रेट मसाला होता है। हाँ, 9 सीक्रेट वही, इसमें 9 तरह का मसाला मिक्स होता है। वही मतलब क्या डालें इसमें? हम लोग का कंपनी देता है ना हम लोग का मसाला। आपको आइडिया नहीं है? नहीं, कोई आइडिया। ओके, तो भैया बता रहे हैं कि कंपनी का मसाला है, ठीक है ना? उसमें क्या है इनको कुछ इतना आइडिया नहीं है, मतलब बताया जा रहा है कि नो चीज़ का मसाला उसमें मिक्सचर दिया हुआ है, जो कंपनी का पैकेजिंग में आता है वही ये डालते हैं। अभी हमारे दोस्त हैं, हमारे एक मित्र सामने बैठे हुए हैं, उससे पूछते हैं कि उनको स्वाद कैसा लगा। तो भाई बताओ कि आपको चाय कैसा लगा? आपको बहुत अच्छा लगा, थोड़ा यूनिकनेस है। ओके, तो दाम से संतुष्ट है आप? एक्सेप्टेबल है। तो दोबारा आना चाहोगे? हाँ, क्यों नहीं, चाय मुझे बहुत ज़्यादा ही पसंद है, तीनों रात मुझे चाय बहुत पसंद। वो तो बात नहीं, नहीं मेरे कहने मतलब ये है कि हम स्टूडेंट है, ठीक है ना, आप अफोर्ड कर पाओगे? नहीं, स्टूडेंट के लिए अफोर्डेबल नहीं। आप तो स्टूडेंट ना हो, वो तो पूछ रहा हूँ। रेगुलर चाय पीने के लिए रेगुलर तो यहाँ पे आ नहीं सकते। हाँ वो तो है, एक्चुअली जा सकते हैं। एक्चुअली पर्सनली मेरा रिव्यू ये है ना भाई, कि हम स्टूडेंट हैं, ठीक है ना, हम 20 रुपये एक बार बार चला दूसरी बार, कि हम 6 रुपये का चाय पीते हैं। अपने हिसाब से टेस्ट तो सही है, इसमें तो हम टेस्ट में तो कोई हम कॉम्प्रोमाइज नहीं करेंगे, टेस्ट तो सही है, बट हमको नहीं लगता स्टूडेंट एक बार कर पाएगा। क्या लगता है तुम्हें? वही बात है, आप अपने हिसाब से देख सकते हैं। और हमारे सामने एक अंकल जी है, उनसे हम लोग बात करते हैं। अंकल जी क्या नाम हुआ आपका? विजय कुमार। ये बताइए आप चाय पहली बार पी रहे हैं या फिर आप आते रहते हैं? पहली बार पी रहे हैं। पहली बार पी रहे हैं आप? अपने टेस्ट किया अपने चाय का? ना, आपको चाय कैसा लगा? ठीक है, बढ़िया। कौन सा फ्लेवर लिए हैं आप? कौन सा फ्लेवर है? दूध पत्ती। दूध पत्ती तो सही लगा आपको? सही है। और इसका जो दाम है, जो प्राइस है, उससे संतुष्ट है आप? हाँ, प्राइस ठीक है, दाम आपको थोड़ा सा ज़्यादा लगा। ज़्यादा लगा ना, ब्रांड का लगता है पैसा है, ब्रांड का पैसा है, लेकिन संतुष्ट है ना? संतुष्ट है, ब्रांड सही है, क्वालिटी सही है, ठीक ठीक। तो आप देख सकते हैं ये कुछ सीन है, और मेरा तरह सही है, तो वही थोड़ा सा दाम बेचती है, बाकी तो सब बढ़िया है।